Hello, students. Hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today, I explain you doubtful questions of exercise 5.3. The questions got as doubt are 9th, 11th, 14th, 15th, etc. Here, the question number 9th of unit arithmetic progression, exercise 5.3 If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289. मतलब सम ऑफ सेवन टर्म्स दिया हुआ है सम ऑफ सेवनटीन टर्म्स दिया हुआ है फाइंड द फर्स्ट एन टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स फर्स्ट एन टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर नाइन थी सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स इज इक्वल टू सेवन बाय टू डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी एंड डी आर नॉट गिवन टू अस

टू ए प्लस सेवनटीन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू गिवन टू अस टू एटी नाइन इट विल भी सेवनटीन बाई टू ऑन द राइट साइड विल बी मल्टीप्लाई बाय टू सेवन डिवाइडेड बाय सेवनटीन तो ये टर्म बच जाएगी टू ए प्लस सिक्सटीन डी इज इक्वल टू सेवनटीन सेवनटीन जर टू एटी नाइन सेवनटीन टू जर थर्टी फोर मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इसको नाव फ्रॉम वन एंड टू वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड ए वन एंड टू से टू ए प्लस सिक्स डी इज इक्वल टू फोर्टीन टू ए प्लस सिक्सटीन डी इज इक्वल टू थर्टी फोर डायरेक्टली वी कैन एलिमिनेट ए बाय चेंजिंग साइन माइनस टेन डी इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी दैट इज़ डी इज इक्वल टू तो हो गया टू नाउ फ्रॉम वन

2 into 1 plus n minus 1 into d t is here 2 that is n by 2 2 plus 2 and minus 1 that is n by 2 into 2n minus plus 1 check its answer question number 9th of 5.3 क्वेश्चन नंबर नाइंथ एन स्क्वायर समथिंग इज रॉन्ग हेयर वी हैव टू चेक इट 7 टर्म्स इक्वल टू 49 नाइन है फोर्टीन दिस इज राइट सेवनटीन टर्म्स इक्वल टू टू एटी नाइन है थर्टी फोर दिस इज आल्सो राइट बाय एडजस्टिंग वी कैन गेट डी इज इक्वल टू टू पॉजिटिव एंड ए इज इक्वल टू वन ठीक है टू प्लस एन माइनस वन इंटू टू यस दिस इज टू सॉरी बेटा टू एंड टू कैंसल्ड टू एंड टू ऑल्सो कैंसल्ड मतलब ये टर्म आपकी आएगी इस तरह से आपकी टर्म थी एन बाय टू टू एन बच गया था ना टू एंड टू कैंसिल करके तो ये टू एंड टू कैंसिल करके आ जाएगा एन स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ दिस कैश क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया यहाँ पे एन स्क्वायर इज द आंसर ऑफ़ दिस क्वेश्चन नाउ एग्जाम क्वेश्चन नंबर इलेवंथ इज द डाउट ऑफ अ स्टूडेंट ऑल्सो इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी इज फोर एन माइनस एन स्क्वायर वट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ एस वन मतलब कि एस वन को हम फर्स्ट टर्म ही एज्यूम करेंगे वट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स वट इज़ सेकेंड टर्म समू टर्म्स फाइंड कर सकते हैं हम उसके अकॉर्डिंग सेकेंड टर्म भी फाइंड करेंगे सिमिलरली थर्ड एंड टेंड एनथलो ओके हेयर इज एस एन इज़ इक्वल टू गिवन टू आस फोर एन माइनस एन स्क्वेयर दैट मीन्स एट एन इज़ इक्वल टू वन एस वन क्या हो जाएगा फोर इंटू वन माइनस वन दैट इज़ थ्री एस टू की वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू फोर इंटू टू माइनस टू टू जर फोर एट माइनस फोर दैट इज़ फोर एस थ्री की वैल्यू हो जाएगी फोर इंटू थ्री माइनस थ्री स्क्वायर ट्वेल्व माइनस नाइन दैट इज थ्री एस फोर फोर इंटू फोर माइनस फोर स्क्वायर सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जीरो इस तरह से गोज अप टू अगले टर्म्स भी एडजस्ट कर सकते हैं मींस बट दीज आर द सम ऑफ ऑल टर्म्स नाउ ए इज इक्वल टू एस वन दैट इज़ थ्री मतलब ए की वैल्यू तो थ्री हो गई आगे सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एस टू इज इक्वल टू थ्री सॉरी फोर एक ये फाइंड करना था हमें एक ये फाइंड करना था अब जो एस टू है एस टू इज इक्वल टू होता है ए प्लस ए प्लस डी मतलब कि जैसे मान लो सीरीज है आपकी सेवन इलेवन फोर्टीन फिफ्टीन नाइनटीन एट्सेट्रा तो समू टर्म्स कैसे एडजस्ट किया ये इन दोनों को प्लस करके ये हमें गिवन है एस टू में फोर तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टू ए प्लस डी तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी टू इंटू ए की वैल्यू थ्री पुट करेंगे प्लस डी इज इक्वल टू फोर है तो सिक्स प्लस डी इज इक्वल टू फोर है तो डी इज इक्वल टू माइनस टू तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड टर्म क्या होएगी वट इज सेकेंड टर्म टी टू ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी दैट इज थ्री प्लस वन इंटू माइनस टू दैट इज थ्री माइनस टू वन तो टी टू की वैल्यू मतलब सेकेंड टर्म हो गई वन ये भी हमें फाइंड करना था उसके बाद हमें फाइंड करनी है थर्ड टर्म टी थ्री ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी दैट इज थ्री प्लस टू इंटू माइनस टू दैट इज थ्री माइनस फोर माइनस वन मतलब के थ्री में से टू माइनस किया तो सेकेंड टर्म वन वन में से टू माइनस किया तो थर्ड टर्म माइनस वन आगे हमें फाइंड करनी है टी थ्री इज इक्वल टू माइनस वन ये भी फाइंड कर लिया हमने टी टेन ए प्लस नाइन माइनस वन इंटू डी दैट इज थ्री प्लस एट इंटू माइनस टू थ्री माइनस सिक्सटीन तो टी टेन की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस थर्टीन एक हमें फाइंड करनी है टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी थ्री प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस टू दैट इज थ्री माइनस टू एन प्लस टू तो टी एन की वैल्यू क्या होगी फाइव माइनस टू एन चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ इज एस वन इज इक्वल टू थ्री एस टू इज इक्वल टू फोर ए टू इज इक्वल टू वन मतलब ए टू मैंने सेकेंड टर्म को टी टू लिखती हूँ मैं ए टू इज इक्वल टू वन आगे है ए थ्री इज इक्वल टू माइनस वन दैट इज़ टी थ्री इज़ इक्वल टू माइनस वन ए टेन इज इक्वल टू माइनस फिफ्टीन थ्री प्लस सॉरी दिस इज़ बेटा टेन मैंने गलती से एडजस्ट कर दिया ये नाइन इंटू माइनस टू एटीन माइनस फिफ्टीन राइट

ट इज वन थ्री फाइव सेवन गोज अप टू फोर्टी नाइन अब इसमें यह फोर्टी नाइन टर्म्स नहीं है इस बात का ध्यान रखना है दिस इज एल सो ए इज इक्वल टू वन डी इज इक्वल टू टू एल इज इक्वल टू फोर्टी नाइन हमें फाइंड क्या करना है सम ऑफ ऑर्ड नंबर्स सम ऑफ ऑर्ड नंबर्स हमें यह तो नहीं पता कि कितनी टर्म्स हैं तो पहले हम एंथ टर्म में एन फाइंड करेंगे लास्ट टर्म हमें गिवेन है टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज टी एन इज इक्वल टू फोर्टी नाइन वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन फोर्टी नाइन माइनस वन ये वन पहले इधर आया तो माइनस हो गया एन माइनस वन इंटू वन तो सेम ही रहेगा एन माइनस वन फोर्टी एट प्लस वन इज इक्वल टू एन एन इज इक्वल टू फोर्टी नाइन बट एन शुड नॉट बी इक्वल टू फोर्टी नाइन दो दो का डिफरेंस है नीयर अबाउट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स होना चाहिए देर इज़ समथिंग मिसटेक ए डी एल ए प्लस एन माइनस वन इं टू डी यस दिस इज द मिस्टेक डी इज इक्वल टू टू लेना था हमें दिस इज टू एन माइनस टू टू एन प्लस टू दिस इज फिफ्टी 2. टू दैट इज ट्वेंटी फाइव अब एन इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फाइव है तो इसके अकॉर्डिंग एस एन कर लो एस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव बाई टू इंटू ए प्लस एल क्योंकि लास्ट टाइम गिवन है तो दूसरा फॉर्मला अप्लाई करने की जरूरत नहीं डायरेक्ट यही कर सकते हो वन प्लस फोर्टी नाइन Twenty-five into its multiplication is fifty by two. Its answer will be six twenty-five. Question number fourteen. Right, six twenty-five. And I explain one more question. Question number fifteenth of this exercise. And next doubtful questions in my next video. हियर क्वेशन नंबर फिफ्टीन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कम् कम्पलीशन बियॉन्ड अ सर्टन डे एज फॉलोज रुपीज टू हंड्रेड फॉर फर्स्ट डे फर्स्ट डे का दिया हुआ अपना पेनल्टी टू हंड्रेड सेकेंड डे टू फिफ्टी थर्ड डे थ्री हंड्रेड एंड सो ऑन पेनल्टी फॉर ई सक्सीडिंग डे बिय बींग रुपीज फिफ्टी मोर देन फॉर दी प्रिसडिंग डे मतलब कि जो करंट डे है उसका पिछले डे के अकॉर्डिंग फिफ्टी रुपीज एक्स्ट्रा पेनल्टी चल बढ़ती जा रही है हाउ मच मनी द कंट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाई थर्टी डेज थर्टी डेज डिले कर दिया तो पेनल्टी बढ़ती जा रही है तो सीरीज क्या है पहले इसमें टू हंड्रेड टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड एंड गोज अप ए इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड डी इज इक्वल टू फिफ्टी एंड आगे एस थर्टी हमें फाइंड करना है दैट इज एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी दिस फॉमुला वी हैव टू अप्लाई क्योंकि एल की वैल्यू तो गिवन नहीं है लास्ट तो दिस इज़ थर्टी बाई टू टू इंटू टू हंड्रेड प्लस एन माइनस वन इंटू फिफ्टी फिफ्टीन फोर हंड्रेड इन प्लेस ऑफ एन वी हैव टू एडजस्ट हेयर थर्टी प्लस ट्वेंटी नाइन इंटू फिफ्टी फिफ्टीन फोर हंड्रेड प्लस फोटी फाइव फोर फोर्टीन फिफ्टीन एट्टीन फिफ्टी जीरो सेवेंटी फाइव वन ट्वेंटी सेवन ट्वेल्व ट्वेंटी सेवन टू सेवन सेवन फाइव जीरो this is the answer of this question now you have to solve the other questions of this exercise if you have any doubts you can send me a doubts on my personal number 991701313 till then thank you